हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज है लेक्चर नंबर 9.3 यूनिट नंबर 9 का, जिसमें हम फोरेंसिक बायोलॉजी और सीरोलॉजी की यूनिट का पार्ट 3 यानी कि फोरेंसिक बॉटनी कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको पूरी फोरेंसिक बॉटनी पढ़ाऊंगी। जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको एक बार टॉपिक्स बता देती हूँ। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले तो फोरेंसिक बॉटनी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नेचर एंड स्कोप क्या होता है वो पढ़ेंगे, वुड्स एंड देयर आइडेंटिफिकेशन एंड मैचिंग कैसे की जाती है, डायटम्स एंड देयर फोरेंसिक सिग्निफिकेंस इन ड्राउनिंग केसेस, स्टडी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। इतने टॉपिक्स है फॉरेंसिक बॉटनी में जो आपके यूनिट 9 में दिए हुए हैं, उन सभी को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको यहाँ पे फ्री ऑनलाइन कोर्स मिल रहा है फॉरेंसिक साइंस का, CUET PG 2024 के लिए फ्री कोर्स है ये, तो आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। बस आपको सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है। अब देखो, एक चीज मैं बता दूं, फॉरेंसिक के साइंस की जो फील्ड है ना बेटा, फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में एक तो कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि लोगों को पहले मालूम नहीं था इस फील्ड के बारे में, लेकिन अब उन्हें मालूम चलता जा रहा है। तो वैकेंसीज तो उतनी ही है, अभी ऐसे वैकेंसीज का नंबर बढ़ा नहीं है, लेकिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो यूजुअली लोग जो है आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं देंगे, ये चीज ध्यान रखना, आपको भटका देंगे। और अगर आप यूजी और पीजी में ही गड़बड़ कर दोगे ना, तो आपका पूरा करियर जो है वो वहां खतरे में आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस दूंगी, यूजी के दौरान आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या कोर्सेज करने चाहिए नहीं करने चाहिए, पीजी के दौरान आपको क्या पढ़ना चाहिए, किस चीज पर डिसर्टेशन करना चाहिए, कहाँ इंटर्नशिप करनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या वैकेंसीज आएंगी, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपियर होना है, ये सारी की सारी जो डिटेल्स होती है ना, जो कि आपको कोई नहीं बताएगा जस्ट बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू इंक्रीज देयर कॉम्पिटिशन, इसलिए आपको कोई नहीं बताएगा। बट मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगी, प्रॉपर आपको गाइड करूंगी, जैसे आपके जैसे मेरे छोटे भाई बहन है, मुझे उन्हें कुछ बताना है। अब अगर कोई बड़ा भाई होता मेरा या बड़ी बहन होती मेरी, तो वो भी मुझे गाइड करते प्रॉपर तरीके से इस फील्ड के बारे में। तो मैं वही करूंगी कि जस्ट लाइक योर एल्डर सिस्टर, आई विल गिव यू गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस इस फील्ड के बारे में, जिससे कि कोई भी बच्चा जो है आगे जाके ये ना बोले कि फॉरेंसिक की फील्ड में तो जॉब ही नहीं है, फॉरेंसिक लेके तो हम पछता रहे हैं, ऐसा कोई भी आगे कोई बच्चा ना बोले। फील्ड में स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है, सब कुछ है, बस गाइडेंस की कमी है, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस फील्ड। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस दूंगी। पर्सनल आप मुझसे वीडियो कॉल पर डिस्कशन कर सकते हो, पूरे एक साल के लिए आप जो है मुझसे कनेक्ट हो जाओगे। आपको जब भी कोई जरूरत है, कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, एनीथिंग, आपको मैं पर्सनली रिप्लाई दूंगी, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि मैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इतने सारे बच्चों को जो है रिप्लाईज करूं। और कई बार होता है कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जेन्युइन नहीं होते हैं, फालतू में सिर्फ मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं। तो इसीलिए अब मैं सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन लोग जो है, जेन्युइन बच्चे जो है प्रॉपर गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये स्टार्ट करा है। आपको बस करना इतना सा है कि यहाँ पे जो लिंक दी हुई है, ये लिंक आपको सेम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आपको क्लिक करना है, इस पे आपको अपना फॉर्म फिल करना है और रजिस्ट्रेशन करना है। इज दैट क्लियर? बाकी की जो भी डिटेल्स होंगी वो सब आपको आपके ईमेल के थ्रू मिल जाएंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सबसे पहले हम फॉरेंसिक बॉटनी के बारे में डिस्कस करते हैं। फॉरेंसिक बॉटनी, इसको हम प्लांट बॉटनी, प्लांट फॉरेंसिक्स भी बोलते हैं, जिसमें इन द यूज ऑफ प्लांट्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हम प्लांट्स का यूज करते हैं। इसमें हम बेसिकली प्लांट का और फंगल पार्ट का एनालिसिस करते हैं, लीव्स हो गए, जो फ्लावर्स हैं, पॉलन है, सीड, बुड, फ्रूट, स्पोर्स, माइक्रोबायोलॉजी, इन सब का यूज करके भाई हम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फॉरेंसिक बॉटनी हेल्प प्रूफ और डिसप्रूफ अ पॉसिबल लिंक बिटवीन पीपल, ऑब्जेक्ट एंड प्लेसेस। भाई आप फॉरेंसिक बॉटनी का उपयोग करके बता सकते हो कि यार ये पर्सन यहाँ पे था नहीं था, ये ऑब्जेक्ट था नहीं था, ठीक है। और ये आपको इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड एविडेंस फॉर कनेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्लेसेस, ऑब्जेक्ट को प्लेसेस से कनेक्ट करना, ठीक है। इवन जो है बॉडी डिस्पोज, बॉडी के जो रिमेन्स है वो कहाँ पे डिस्पोज किए गए होंगे, कहाँ से मिल रहे हैं, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फॉरेंसिक बॉटनी कैन बी यूज
पैलिनोलॉजी, वुड वैरायटी, डायटम्स, हैबिटेट सैंपलिंग, ये सब फॉरेंसिक बॉटनी में आता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, बहुत सारी जो है ब्रांचेज है, नेचर एंड स्कोप दिया है आपके सिलेबस में, तो वेरियस ब्रांचेस की अगर हम बात करें फॉरेंसिक बॉटनी की, तो वो यहाँ पे बेसिकली फॉरेंसिक बॉटनी का काम यही है टू आइडेंटिफाई क्रिमिनल्स, क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, फॉरेंसिक बॉटनी के टाइप्स क्या क्या है, फॉरेंसिक प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल फीचर यानी एक्सटर्नल फीचर्स, ये देखो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में बाहर से दिख रहे हैं कि इसमें टर्मिनल ब्लड है, फ्रूट है, नोट्स है, एक्सिलरी बड है, लीफ है, स्टेम है, इंटरनोड्स है, फ्लावर्स, ये सब हमें बाहर से दिख जाते हैं। फिर प्लांट एनाटॉमी, फॉरेंसिक प्लांट एनाटॉमी में हम प्लांट के अंदर की चीजों के बारे में पढ़ते हैं, जाइलम, फ्लोयम, अंदर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो, ये सब पढ़ते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। फिर आता है प्लांट पेलिनोलॉजी, इसमें हम पॉलिन ग्रेन्स, स्पोर्स और माइक्रोस्पोर प्लांट बॉडीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पेलिनोलॉजी पॉलिन्स की स्टडी, पॉलिन ग्रेन्स की स्टडी, ये तीन ब्रांचेस समझ में आ गई आपको। इसके बाद में एक और ब्रांच आती है फॉरेंसिक डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी जो है इम्प्लाइज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एस्टिमेटिंग द ग्रोथ रिंग्स, ये जो ग्रोथ रिंग्स बन रहे हैं इसकी स्टडी करना, इसकी मदद से एग्जैक्ट डेट निकाली जा सकती है कि भाई ये जो प्लांट है इसकी उम्र कितनी है, कितना पुराना प्लांट है, तो ये आपको पता करना होता है। तो इसके लिए भी जो स्पेसिफिक स्टडी होती है दैट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फिर आता है फॉरेंसिक लिम्नोलॉजी। लिम्नोलॉजी क्या है, एक अदर इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्रूशियल ब्रांच है फॉरेंसिक बॉटनी की, जिसमें हम एग्जामिनेशन ऑफ प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ डाई आइटम्स, ठीक है, जो विक्टिम में मिले हैं या एविडेंस के फॉर्म में हमने कलेक्ट करे हैं सीन ऑफ क्राइम से, तो लिम्नोलॉजी, डायटम्स की फॉरेंसिक स्टडी जो होती है उसको हम लिम्नोलॉजी बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना, ये पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, इसके बाद में एक और दिया हुआ है फॉरेंसिक प्लांट सिस्टमैटिक्स। प्लांट सिस्टमैटिक्स में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट का क्लासिफिकेशन, 11th क्लास में पढ़ा होगा ना, क्लासेस, फैमिली और पूरा जो है मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट के पढ़ते हैं, वो फॉरेंसिक प्लांट सिस्टमैटिक्स होता है। फिर फॉरेंसिक इकोलॉजी, इकोलॉजी में क्या होता है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में प्लांट्स की और जो बाकी के एनिमल्स हैं उनके बीच की क्या रिलेशनशिप है उसको स्टडी किया जाता है प्लांट इकोलॉजी में। और अब देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्लांट किंगडम की बात करें हम, ये सब आपने 11th में पढ़ा है तो मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, एक होते हैं एंजियोस्पर्म्स, एक होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, एक होते हैं नॉन फ्लावरिंग और एक होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये चार्ट जो है ये मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बहुत ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपने 11th में पढ़ा है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार जो है आप 11th क्लास की बुक खोल के, बायो की जो बुक है उसको खोल के आप वहां से पूरा प्लांट किंगडम एक बार रिवाइज कर सकते हो। बाकी फॉरेंसिक के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी प्रेजेंटली क्योंकि आपके पास में टाइम कम है, पर अगर आपके पास टाइम है, आपको और डीपर नॉलेज लेना है तो आप इसको पढ़ सकते हो। समझ गए बात को। अब हम सीधे वुड की बात करें। वुड, वुड क्या है भाई, वुड इज अ हार्ड फिब्रस सब्सटेंस दैट इज बेसिकली जाइलम। ठीक है, बेसिकली वुड क्या है, जाइलम है, बहुत सिंपल, एंड मेक्स अ ग्रेटर पार्ट ऑफ स्टेम्स, क्या बनाता है, स्टेम्स, ब्रांचेस और रूट्स ऑफ द ट्री और श्रब्स बीनीथ द बार्क, ये सब बनाता है। वुड्स जो है अप टू 3 प्राइमरी एलिमेंट्स से बना हुआ है। 3 प्राइमरी एलिमेंट कौन कौन सा, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन, ध्यान से सुनना, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन। ठीक है, CHL ऐसे याद रखो, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन से बना हुआ होता है। सेल्यूलोज जो होता है वो 41 से 43 पार्ट ऑफ वुड बनाता है, सबसे ज्यादा प्लांट के वुड में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर 3 टाइप की मेन कैटेगरीज होती हैं वुड की। जो हम वुड होती है, जो लकड़ी होती है, उसको हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, हार्डवुड, सॉफ्टवुड और मैन्युफैक्चर्ड वुड। कौन कौन सी, हार्डवुड, सॉफ्टवुड और मैन्युफैक्चर्ड वुड। हार्डवुड में आता है एश, मैपल, ओक, महगोनी, टीक, वॉलनट। सॉफ्टवुड में पाइन, सेडर या केडर या फिर रोज वुड। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चर में आता है फाइबर वुड, पर्टिकल वुड और प्लाई वुड। ये सब मैन्युफैक्चर यानी बनाई गई है, ह्यूमन मेड है ये। ठीक है, और ये यहाँ पे हार्डवुड हो गई, ये सॉफ्टवुड हो गई। तो 3 तरीके से यूजुअली हम वुड्स को डिवाइड यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे इनके वो भी देखो, हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं।
हार्डवुड में यहाँ पे ओरिजिन क्या है, डेसीरियस ट्रीज जो होते हैं जिनमें लीव्स और सीड प्रेजेंट होती है उससे बनाए जाते हैं। सॉफ्टवुड कोनिफर ट्रीज, अब भाई अभी मैंने आपको बोला था प्लांट किंगडम एक बार पढ़ लेना, क्यों, क्योंकि उसको पढ़ने से आपको समझ में आएगा डेसीरियस ट्री कौन से हैं, कोनिफर ट्रीज कौन से हैं, टिम्बर क्या होता है, इसीलिए आपको प्लांट किंगडम जानना जरूरी है, तो एक बार पढ़ जरूर लेना। अब देखो ओरिजिन में मैंने बता दिया हार्डवुड डेसीरियस ट्री से, सॉफ्टवुड आपका कॉनिफर ट्री जिसमें निडल्स और कोन्स होते हैं, जो इंजीनियर्ड वुड होता है वो रियल टिम्बर से बनता है, वेस्ट वुड और या फिर उसका कॉम्बिनेशन से बनता है। एग्जांपल्स की बात करें तो हार्डवुड में ऐश, बीच, ब्रिज, चेरी, ओक, मैपल, वॉलनट आता है। सॉफ्टवुड में सेडर, फिर पाइन, स्प्रूस, रेडवुड, ये ठंड वाले एरियाज में ज्यादा पाए जाते हैं। फिर इंजीनियर्ड वुड में प्लाईवुड, एमडीएफ, चिपवुड, वेनर्ड वुड, ये सब आते हैं। हार्डवुड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्लोअर ग्रोथ रेट होता है और हायर डेंसिटी होती है। सॉफ्टवुड का फास्टर ग्रोथ रेट होता है, लोअर डेंसिटी होती है। इंजीनियर्ड वुड लार्ज स्टैंडर्ड साइज पैनल होते हैं और बहुत सारी वेराइटी के मिलते हैं। हार्डवुड के यूजेस हैं, हाई क्वालिटी फर्नीचर बन सकता है, डेकोरेटिव वुडवर्क, डेस्क, फ्लोरिंग, मतलब हम घर में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हमारे घर में जो फर्नीचर का काम होता है उसमें ये बहुत यूज होता है। सॉफ्टवुड में भी बिल्डिंग कंपोनेंट है, फर्नीचर है, एक्सटीरियर क्लीनिंग, ये सब में भी घर में यूज किया जा सकता है। इंजीनियर वुड फर्नीचर, इससे फर्नीचर बनते हैं, शेल्फ, कबर्ड, वॉल, काउंटर्स, ये सब। कॉस्ट की बात करें तो हार्डवुड टिपिकली थोड़ा सा महंगा होता है, सॉफ्टवुड लोअर कॉस्ट का होता है और इंजीनियर्ड वुड और ही सस्ता होता है, ठीक है, तो ये डिफरेंस इसमें होता है कॉस्ट में। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया। अब हम चलो मेन कॉम्पोजिशन की बात करें कि वुड का कॉम्पोजिशन क्या है। तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मैंने बताया था कि जो सेल्यूलोज है सबसे ज्यादा उस बनाता है, सेल्यूलोज, CHL याद है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और बताओ और क्या था, लिग्निन, ठीक है, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और लिग्निन, CHL इतना याद है ना। तो ये सेल्यूलोज जो है वो 70% वुड बनाता है, सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट होता है। अल्फा सेल्यूलोज जो है मेकिंग ऑफ पेपर में यूज होता है, लिग्निन का यूज करते हैं हम सीमेंटिंग एक्शन, दैट बॉन्ड सेल्स एंड इम्पार्ट रिजिडिटी, 18-28% प्रेजेंट होता है ये, ठीक है, लिग्निन सीमेंटिंग का एक्शन। सीमेंट का काम क्या होता है, हम घर में सीमेंट का यूज करते हैं, जब घर बनता है हम नहीं यूज करते, जो भी बिल्डर होता है वो यूज करता है, सीमेंट लगाता है, वो सीमेंट का क्या करते हैं, एक ब्रेक को दूसरी ब्रेक से जोड़ने के लिए, मजबूती बनाने के लिए सीमेंट का यूज करते हैं, ठीक है, तो कौन सी, अंबुजा सीमेंट, ठीक है, तो ये सीमेंट है। लिग्निन क्या है, प्लांट्स की सीमेंट है, रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहा है, सेल्स को बॉन्ड प्रोवाइड कर रहा है। फिर एडिशनल मिनरल्स जो है वो ऐश से मिलते हैं, वाटर, केमिकल कंपाउंड, टैनिन, स्टार्च, ऑयल, वैक्स, रेजिन, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं वुड में, ठीक है, तो वुड से कितनी सारी चीजें बनती, पेपर बनता है, हम जो है रेजिन बनाते हैं और बहुत सारी चीजें इससे बन जाती हैं, तो ये सब वुड की कॉम्पोजिशन होते हैं। इज दैट क्लियर। अब देखो फिजिकल फीचर्स और एनाटॉमिकल फीचर्स, जब हम आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं वुड आइडेंटिफिकेशन की, तो हमें कुछ फीचर्स देखने पड़ते हैं। कौन कौन से फीचर्स देखते हैं, कॉमन फिजिकल फीचर्स ऑफ वुड सैंपल, अगर वुड सैंपल आए तो सबसे पहले क्या देखेंगे, वेट क्या है, ऑर्डर क्या है, कलर क्या है, हार्डनेस कैसी है, लक्सचर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, ये सब चीजें हमने बाहर से देख लिया। अब हम एनाटॉमिकल फीचर्स के लिए माइक्रोस्कोप के अंडर में देखेंगे, हम ये देखेंगे वेदर द पोर्स आर एब्सेंट और प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट देन फर्दर आइडेंटिफिकेशन इज डन, पोर्स प्रेजेंट है या नहीं है, अगर प्रेजेंट नहीं है तो साइड रख दो, अगर प्रेजेंट है तो आपको फिर ये देखना कितने पोर्स हैं, पोर नंबर, पोर साइज और पोर अरेंजमेंट कैसा है, ये हम इसको देखते हैं। तो ये होता है वुड आइडेंटिफिकेशन में, पहले जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर हम एनाटॉमिकल एग्जामिनेशन करेंगे, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे आता है फिजिकल एग्जामिनेशन में कलर की बात करें तो व्हेन अ लार्ज लॉग इज कट, बट जब बहुत ज्यादा लॉग कट होता है, लार्ज लॉग इज कट, टू डिस्टिंक्ट रीजन कैन बी ऑब्जर्व्ड बेस्ड ऑन द कलर, दो डिस्टिंक्ट रीजन देखेंगे, आउटर लाइनर कलर्ड जोन ऑफ वेरिंग विथ, ठीक है, सैप वुड में आउटर लाइटर कलर्ड जोन दिखेगा, ठीक है, इनर डार्कर जोन दिखेगा, अंदर का जोन जो होगा वो डार्क दिखेगा, कॉल्ड हार्ट वुड, हार्ट, ठीक है, वुड का दिल, वुड का भी दिल होता है भाई, ठीक है, सैप वुड बाहर का रीजन है जो कि लाइटर है कलर में, अंदर दिल जो है हार्ट वुड जो है वो इनर रीजन है, तो डार्कर कलर का पोर्शन होगा। इसके बाद में शार्प एंड वेल डिफाइंड, शार्प है, वेल डिफाइंड है, यानी कि जैसे पाइनस में होता है, लेस डिफाइंड एंड ग्रेजुअल है तो वो साल है। इसके बाद में नो डिस्टिंक्शन तो वो स्प्राउस यानी पीसिया, पेसिया, स्मिध्याना,
ठीक है, ये सब इसके बायोलॉजिकल नेम्स लिखे हुए हैं, तो ये आप देख लेना। इसके बाद में आगे बढ़े अब हम कलर के बाद में फ्लोरोसेंस की बात करें, तो वाटर एक्सट्रैक्ट इन सम वुड्स में शो फ्लोरोसेंस, ठीक है। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनमें आपको वो दिखता है, फ्लोरोसेंस देखने को मिलता है। वेट की बात करें तो लाइट टू वेरी लाइट, जैसे पपीता सेमुल, इसके लाइट टू वेरी लाइट हो गया। उसके अंदर मॉडरेटली हैवी में आते हैं पून प्लांट्स, इसके बाद में हैवी टू वेरी हैवी में भी यहाँ पे मेसुआ आ जाते हैं, भाई इनके प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो सम प्लांट्स सम इम्पोर्टेंट टिम्बर्स विद डिटेचेबल ऑर्डर्स, टिम्बर्स को डिटेचेबल ऑर्डर होती है, टीक डिओडर स्किर रोजवुड एक्सेट्रा। लश्चर की बात करें तो प्रॉपर्टी होती है इनमें लाइट रिफ्लेक्ट करने की, जैसे स्लाइस ऑफ वुड है, वुड का टुकड़ा है तो वो लाइट रिफ्लेक्ट करने की होती है, ब्राइट एंड लश्चर है तो टिम्बर है, जैसे मलबरी पून प्लांट्स एक्सेट्रा। वेरी डल, डल होता है जिनमें बिल्कुल लश्चर नहीं है, तो जामुन, ठीक है, वो उनमें बिल्कुल लश्चर नहीं होता है। ये सब देखे जाते हैं फिजिकल अपीयरेंस में। टेक्स्चर होता है डिपेंड करेगा अलग अलग वुड के एलिमेंट्स में, हार्डवुड जो है ड्यू टू मैनर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेसल एलिमेंट्स, सॉफ्ट वुड जो है वो ट्रेकियस की वजह से ऐसा टेक्सचर होता है, फाइन वुड है हल्दू, मीडियम कोर्स टेक्सचर्ड है, फाइन टेक्सचर्ड वुड बताया था मैंने, मीडियम कोर्स टेक्सचर्ड वुड है कंजू, कोर्स टेक्सचर्ड वुड है पून प्लांट्स में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ एनाटॉमिकल फीचर्स, एनाटॉमिकल फीचर्स में क्या होता है, माइक्रोटोम का यूज करते हैं, रोटेटरी माइक्रोटोम होता है उसका हम यूज करते हैं, क्रॉस सेक्शन देखेंगे, रेडियल सेक्शन देखेंगे, टेंजेंशियल सेक्शन, स्टेनिंग, पोर साइज, पोर नंबर, पोर अरेंजमेंट, ये सब हम देखते हैं, क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ ओ, अब देखो ये एनाटॉमिकल फीचर्स में सब कुछ दिया हुआ है कि आपने पहले पिच देखा, हम दूसरा कलर ले ले रहे हैं, हार्ट वुड है मतलब ये अंदर का पार्ट डार्क है, हार्ट वुड है, ग्रोथ रिंग्स देखते हैं कितने कंसेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, जितने कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं यानी कि वो उतना ही उसकी जो है एज है, सैप वुड ये आउटर पार्ट है जो लाइटर होता है कलर में, कैम्बियम होता है थिन रिप्रोडक्टिव लेयर होती है, फ्लोएम होता है थिन स्पॉन्जी लेयर होती है, बार्क है फिर ये बाहर का बार्क कहलाता है, और फिर रे है, ठीक है। तो ये सब जो है ये पूरा का पूरा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, ये पूरा का पूरा स्टडी किया जाता है। अब देखो यहाँ पे ये दिया है रिंग पोर्स डिफ्यूज्ड पोर वुड, ठीक है, ये डिफरेंस दिया हुआ है, अगर आपको बहुत ज्यादा और डिटेल्स में पढ़ना है तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो और इसको प्रॉपरली अपने कॉपी में बना लेना, वैसे मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। अब हम सीधे जो है एनाटॉमिकल फीचर मैंने आपको बता दिया है, अब हम आते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है जिसमें आप जो कंसेंट्रिक सर्कल्स का फॉर्मेशन हुआ उनकी स्टडी करके, जिन्हें हम एनुअल रिंग्स बोलते हैं, ठीक है, एनुअल ग्रोथ रिंग्स या एनुअल रिंग्स बोला जाता है, इनकी मदद से हम जो अपनी वुड है लकड़ी है इसकी एज निकालते हैं, ठीक है। रिंग शोज अमाउंट ऑफ वुड प्रोड्यूस ड्यूरिंग वन ग्रोइंग ईयर, एक ग्रोइंग ईयर में कितने रिंग्स बने हैं उसके हिसाब से इसकी एज निकाली जा सकती है। देखो जैसे फर्स्ट ईयर ग्रोथ में बिल्कुल सेंटर वाला है, उसके बाद में रेनी सीजन में यहाँ पे ये रेनी सीजन में ये थोड़ा सा लंबा ग्रो करता है, ज्यादा ग्रो करता है, ड्राई सीजन में आप देख सकते हो कम ग्रो हो रहा है, फिर स्कार्स फ्रॉम फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर की वजह से ये स्कार आया है। तो ये दिख रहे हो आप एक वुड के कटे हुए वुड के लॉग से आपको कितना कुछ पता चल रहा है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी बहुत डीपर स्टडी होती है इसकी। इसके बाद में डायटम्स पर आ जाओ, अब सीधे हम डायटम्स की बात करते हैं, इसको इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉरेंसिक लिम्नोलॉजी। फॉरेंसिक लिम्नोलॉजी में हम डायटम्स की स्पेसिफिकली डायटम्स की ही स्टडी करते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ साइंस ऑफ लिम्नोलॉजी फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस, फॉरेंसिक लिम्नोलॉजी में हम यहाँ पे डायटम्स की स्टडी तो कर रहे हैं लेकिन हम यहाँ पे जस्टिस के लिए, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस, इसलिए फॉरेंसिक वर्ड लग जाए तो भाई क्राइम जस्टिस, क्राइम जस्टिस, सीधी बात, ये वर्ड यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे साइंस की एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस। डायटम क्या है, सिंगल सेल्ड एल्गा होता है, 20 to 200 माइक्रोन्स का डायमीटर होता है, सेल वॉल फ्रिस्टूल होती है मेड अप ऑफ सिलिका, सिलिका की बनी हुई होती है। अगेन मैं बताऊं 11th क्लास की बायो की बुक में आपने डायटम्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, आपने जब डायटम्स के बारे में पढ़ा होगा तो वो जो है वहां पे एक स्ट्रक्चर बताते हैं कि क्लोर सोप का जो डब्बा होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है और सिलिका की वॉल होती है, तो जहां पे ये डायटम्स रहते हैं वहां पे क्या बना लेते हैं वो सिलिकॉन अर्थ
बना लेते हैं, मतलब कि वो जो जगह होती है वहाँ पूरा सिलिका सिलिका वो उनका डिपॉजिट हो जाता है। चलो ये सब आपने पढ़ा है इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ। नॉन मोटाइल और लिमिटेड मोटिलिटी, या तो बिल्कुल ही नहीं मूव कर सकते या फिर बहुत लिमिटेड मोटिलिटी होती है। फ्रेश और मराइन इकोसिस्टम दोनों में मिलते हैं। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेल डिवीजन के थ्रू। ये डायटम्स का वो दिया है इंट्रोडक्शन। अब डायटम्स को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। डायटम्स दो तरीके के होते हैं, सेंट्रिक डायटम्स और पिनेट डायटम्स। सेंट्रिक में आप देख सकते हो गोल है, पिनेट में जो है इस तरीके का आपको शेप देखने को मिल रहा है। ठीक है, दो तरीके के आप जो है शेप्स दे सकते हो। अब सीधी बात आती है भाई, हमें एनालिसिस करना है डायटम्स का। हमने मैम बचपन में पढ़ाई 11th क्लास में डायटम्स के बारे में, वो सब हमें पता है। आप मेन बताओ फॉरेंसिक में क्या काम आएगा, कैसे आएगा, किस केस में आएगा। तो सुनो, डायटम्स का यूज जो है, अब मान लो कोई व्यक्ति है, देखो दो सिनेरियो बन सकते हैं, ठीक है, दो सिनेरियो बनते हैं। एक आदमी ने पानी में कूद के अपनी जान दे दी, दैट इज सुसाइड। ये सुसाइड है, पानी में कूद के जान दी है। अब ये आपको कैसे पता, कैसे पता आपको? हो सकता है किसी ने उसको जो है पहले ही मार दिया हो और फिर पानी में फेंक दिया हो, जस्ट टू मेक इट अपीयर एज अ सुसाइड। तो भाई हमें यहाँ पे ये पता लगाना होता है कि क्या इसको मार के पहले ही फेंक दिया गया है, मतलब ये पानी में जाने से पहले ही मर चुका था, या फिर पानी में ही कूद के ये मरा है। ठीक है, ये दो सिनेरियो हो सकते हैं। अब ये पता करने के लिए मैं कैसे पता चलता है, यूजुअली डायटम्स जो होते हैं वो पानी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डायटम्स पानी में प्रेजेंट होते हैं। अब अगर कोई पर्सन पहले ही मर चुका है, यानी पानी में जाने से पहले अगर वो मर चुका है, तो वो सांस नहीं ले सकता। मर गया तो क्यों ही सांस लेगा, तो सांस नहीं लेगा तो यानी उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम से डायटम्स अंदर बॉडी में जा ही नहीं रहे, ना लंग्स में जा रहे हैं, ना लंग्स से पूरी बॉडी में जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, दो चार चले जाए अपने आप बिना ब्रीदिंग करे, बात अलग है, लेकिन ज्यादा अमाउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, वही अगर कोई पानी में खुद कूदा है, ठीक है, यानी कि वो मरने से पहले, पानी में जाने से पहले जिंदा था, तो वहां पे क्या होगा, उस टाइम पे क्या होगा, उसकी सांस से चल रही है और पानी में जाएगा तो वो स्ट्रगल भी करेगा। पानी में कूद के ऐसा तो है नहीं कि मुझे मरना था, मैं पानी में कूद के आराम से मर जाऊंगा, नहीं, आपका बॉडी स्ट्रगल करेगा। भले ही आप सुसाइड कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका बॉडी स्ट्रगल करेगा। तो जब पानी में गया वो, तो उसने सांस ली उसने, तो पानी अंदर गया, पानी के साथ में डायटम्स अंदर गए, तो डायटम्स लंग्स में पहुंचे, वहां लंग्स से जो है अब सांस तो चल रही है, तो वो पूरी बॉडी में पहुंचे। तो यूजुअली जो होता है, हमें बॉडी के अंदर डायटम्स मिलते हैं इस केस में, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है। तो जब अगर कोई ऐसा केस होता है, ड्राउनिंग का अगर कोई केस होता है, तो उस टाइम पे जो सैंपल्स लैब में पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं यूजुअली फीमर बोन, जो लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक है, लॉन्ग बोन्स में, लॉन्ग बोन्स के बोन मैरो में डायटम्स जाके बैठ जाते हैं। ठीक है, या फिर जो है लंग्स जाते, क्योंकि वहां पे से आपको जो है डायटम्स मिल सकते हैं। लंग्स में से यूजुअली कम मिलते हैं, लेकिन बोन में से, लॉन्ग बोन्स में से जो है डायटम्स मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हमें पोस्टमार्टम के बाद में लैब में पहुंची लॉन्ग बोन्स डायटम्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि हमें ये पता करना है ड्राउनिंग का केस है भी या नहीं है। तो अगर बोन पहुंची है, तो बोन को -200 डिग्री सेल्सियस में उसको हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। फिर बोन को लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं, ठीक है, 100 से आरी से लेके कट करते हैं। बोन मैरो निकालते हैं हम स्पेजुला का यूज करके, 250 ml उसमें 250 ml के बीकर में डालते हैं, दोनों येलो और रेड दोनों बोन मैरो लेते हैं, एंड मच ऑफ द ट्रबैक्युलर बोन फ्रॉम एपिफाइसियल एंड्स, यहां से हम लेते हैं 10 ml उसमें कंसेंट्रेटेड एसिड डालते हैं, कंसेंट्रेटेड HCl डालते हैं, और फिर हॉट प्लेट पर रख देते हैं जब तक वो सेमी फ्लूइड ना बन जाए। ठीक है, जब वो सेमी फ्लूइड बन जाता है, ब्लैक टू ब्राउन कलर का, ब्राउन टू ब्लैक कलर का हो जाता है, उसमें हम 50 ml एसिड और डालते हैं। ठीक है, फिर उसको हम हॉट प्लेट पर रखते हैं 30-40 डिग्री सेल्सियस पर। डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है अप टू 3 days, 3 दिन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में क्या करते हैं, सिमर फॉर 8 hours, व्हेन सस्पेंशन टर्न्स पेल येलो, जब वो पेल येलो हो जाए तो फाइनल वॉल्यूम अबाउट 50 ml वॉल्यूम जो होता है, उसको रूम टेम्परेचर पे कूल करते हैं, फिर रेफ्रिजरेट करते हैं और सॉलिडिफाई करते हैं। ठीक है, लिपिड्स को हमें सॉलिडिफाई करना होता है। फिर हम पाइपेट आउट, पाइपेट का यूज करा है कभी किसी ने, पाइपेट का यूज करके हम यहाँ पे एसिड सस्पेंशन को निकालते हैं विद इन द लिपिड, और लिपिड फ्री सस्पेंशन को हम वाटर में डाइल्यूट करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाल के हम चलाते हैं 10 मिनट के लिए। सुपर डिटेंट को डिस्कार्ड कर देते हैं,
और टू द पैलेट एट द बॉटम अलॉन्ग विथ 5 ml सस्पेंशन। 5 ml सस्पेंशन में हम पानी डालते हैं, फिर 3 टाइम फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, पैलेट को निकालते हैं। अब देखो ये प्रोसेस जो है ये लंबी है, हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आ रही हो, बट बहुत सिंपल सा है, फिर से बता रही हूँ मैं यहाँ पे, फिर से ध्यान दो स्टेप्स में से, इससे ज्यादा इजिली समझ में आएगा। बोन मैरो लिया हमने, ठीक है, बोन मैरो को हमने बीकर में निकाला, बीकर में हमने 500 ml जो है प्रोटीनेस के और HCl हमने इसमें डाला, इसको हमने जो है ओवरनाइट रख दिया, ठीक है, 100 ml वाटर डाला, फिर हमने इसको सेंट्रीफ्यूज करा, 3 से 4 बार आपको सेंट्रीफ्यूज करना है। अब सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में सुपर निटिन को डिस्कार्ड कर देना है आपको, और फिर आपको जो है माइक्रोस्कोप पे अपना स्लाइड लाइट बना के उसको देखना है, उसमें आपको जो है अगर डायटम्स दिख गए यानी कि बहुत बढ़िया बात है, डायटम्स प्रेजेंट थे यानी कि उसकी बॉडी में अगर डायटम्स मिले हैं तो यानी ड्राउनिंग का केस ही हो सकता है। बस इतना ही है, ये एंजाइमेटिक डाइजेशन बोलते हैं हम इसको, डायटम्स एक्सट्रैक्शन के लिए किया जाता है, ये होता है। अब क्या होता है, देखो हमें जो डायटम्स मिले हमें ये भी चेक करना होता है, पानी का सैंपल भी कलेक्ट होके आता है कि इसी पानी का सैंपल है कि नहीं, पता चले वो मरा कहीं था, कहीं से बह के यहाँ पे आया है, तो डायटम्स के सैंपल भी बदल जाएंगे, हर पानी के अपने अपने सैंपल होते हैं, तो हमें जो वाटर मिला है हम उसमें भी जो है चेक करेंगे, हम वही ग्लास स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखेंगे, ठीक है, डायटम्स एक्सट्रैक्ट कर जो पानी है मिले हैं। इसके बाद में यही पूरा दिया हुआ है, मैथड दिया हुआ है, तो मैथड इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायटम्स एनालिसिस के लिए मैथड जो होती है वो एसिड डाइजेशन होती है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई, एसिड डाइजेशन, एसिड में हम उसको डाइजेस्ट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सुपर निटिन निकाल देते हैं, फिर हम उसको जो है स्लाइड के नीचे देखते हैं। फिर एक होती है ड्राई एशिंग, जिसमें हम बोन को क्या कर रहे हैं, बोन को उठा के हम सीधे एशेस बना देते हैं, ठीक है, ये ऐसा कुछ किया जाता है। एक होती है एंजाइमेटिक मेथड, एंजाइमेटिक मेथड वो जो मैंने अभी आपको इसके पहले जस्ट मैंने बताई है कि जो पानी मिला है हमें उससे हम कैसे कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे, ये मेथड तो हो गई यहाँ पे। फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ड्यूरिंग ड्राउनिंग इज एक्सफैजिया इन नेचर विच प्रिवेंट्स एंटरिंग ऑफ एयर इनटू लंग्स बाय इनहेलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू एयर पैसेज। सीधी सी बात है, पानी में हवा तो अंदर जाएगी नहीं, पानी में पानी ही अंदर जाएगा ना, नाक से मुंह से जितनी भी ओपनिंग से अंदर जाएगा ना पानी, तो उस केस में जो है आपको देखने मिलते हैं डायटम्स। तो डेथ ऑफ द विक्टिम फाउंड इन वाटर शुड नॉट ऑलवेज बी रिलेटेड टू ड्राउनिंग। जरूरी नहीं है कि पानी या बॉडी मिली है यानी ड्राउनिंग का ही केस हो, यही आइडेंटिफाई करने के लिए फॉरेंसिक मेडिसिन का पार्ट होता है ये, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए हम डायटम्स का एग्जामिनेशन करते हैं। इज दैट क्लियर। ऑटोप्सी के बाद में आपके पास में जो सैंपल्स आए हैं, लॉन्ग बोन्स आई हैं, लंग्स आई हैं, तो उनमें आपको इसका एग्जामिनेशन करना होता है कि इसमें डायटम्स हैं या फिर नहीं है। समझ में आ गई बात। अब देखो ड्राउनिंग डेथ इन्वेस्टिगेशन एंड ऑटोप्सी, एक्सटर्नल फाइंडिंग्स देखते हैं, लिगेचर मार्क है क्या, स्टेट ऑफ लेफ्ट एंड राइट आई कैसी है, प्यूपिल कैसी है, कोरोना और नेचुरल ऑरिफिसेस कैसे हैं, प्रेजेंस ऑफ ब्लड फोर्थ इन माउथ ईयर नोज, यहाँ पे फोर्थ वगैरह बन रहा है क्या। इंटरनल फाइंडिंग्स में क्या होता है, क्रेनियम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन मस्ट बी एक्सपोज्ड इन एवरी केस, एक्सपोज्ड होना चाहिए ब्रेन हर केस में, स्पाइनल कॉर्ड नीड नॉट टू बी एग्जामिन, स्पाइनल कॉर्ड का एग्जामिनेशन नहीं होता है, ये चीज समझ में आ गई। अब इसके बाद में और क्या एग्जामिनेशन करते हैं इंटरनल फाइंडिंग में, माउथ फेनिक्स और ईसोफेगस का एग्जामिनेशन होता है, नेक कंडीशन कैसी थी, थायराइड, हाइरोइड बोन, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ये सब भी देखे जाते हैं, थोरेक्स, चेस्ट वॉल देखी जाती है, रिब, स्टर्नम, कार्टिलेज, ये सब कुछ देखा जाता है, एब्डोमेन भी यहाँ पे एग्जामिनेशन यहाँ पे इसका भी किया जाता है, ये ऑटोप्सी की चीजें हैं, ठीक है। अब आ जाओ भाई पैलिनोलॉजी में, हम पैलिनोलॉजी यानी कि पॉलन ग्रेन की स्टडी को हम पैलिनोलॉजी बोलते हैं, फॉरेंसिक वर्ड लग जाए यानी जस्टिस के लिए हम फॉरेन की पढ़ाई कर रहे हैं, सिंपल सी बात, फॉरेंसिक यानी जस्टिस, हमारा जीवन जस्टिस में जाता है, ठीक है। तो पैलिनोलॉजी स्टडी ऑफ पैलिनोमॉर्फ्स, अब पैलिनोमॉर्फ्स पार्टिकल मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बिटवीन 5 to 500 microns फाउंड इन सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, ठीक है, पैलिनोमॉर्फ्स होते हैं ये। मोस्ट कॉमनली स्टडीड पैलिनोमॉर्फ्स आर, क्या पढ़ते हैं हम इसमें, पॉलिन और स्पोर्स के बारे में पढ़ते हैं, फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी, वही हम जो है पैलिनोलॉजी का उपयोग जस्टिस के लिए करेंगे, तो वो फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी हो गई, यही पॉइंट लिखे जो मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। अब मॉर्फोलॉजी क्या होती,
कि पोलन कैसा होता है, पोलन के बारे में किसको नहीं पता, साइज शेप जो है आप देखो उसका कैसा होता है। यहाँ पे आपको बाहर जो है स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, आउटर वॉल जो होती है इसकी पोलन की वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है, स्पोरो पोलन की बनी होती है, हार्ड होती है, ठंडी गर्मी बारिश कहीं पे भी डाल दो उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं होगा, ये जर्म पोर होता है, यहाँ से जर्मिनेट होता है, ठीक है। तो ये मैं नहीं पढ़ा रही हूँ यार, आपने बचपन में पढ़ा होगा 11th 12th में, तो मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगी, हम सीधे आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं। पोलन ग्रेन्स का जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो पहले विजुअल इंस्पेक्शन, पहले तो भाई सामने देखेंगे हम क्या दिख रहा है, इमेज एनालिसिस, फिर हमने उसकी फोटो खींच ली, फिर हमने उसकी इमेज एनालिसिस करी, फिर हमने उसको जो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डाल के देखा। विजुअल इंस्पेक्शन में क्या होता है, ट्रेंड पर्सन जो है पोलन ग्रेन्स को वो करता है, पूरा देखता है, चेक करता है। इमेज एनालिसिस में क्या होता है, हम विजुअल इंफॉर्मेशन को मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस में डालते हैं। सैम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा है किसी ने या नहीं देखा है, मैंने तो देखा है, सैम भी देखा है, टैम भी देखा है, हमारे यूनिवर्सिटी में हम लोगों को दिखाया गया था। ऑब्वियसली हमको टच करने नहीं दी क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ पे जो है वो जो सैंपल्स आते थे वो बहुत ही सेंसिटिव सैंपल्स होते थे, वहाँ पे ऐसे लोग ऐसे नहीं घूम सकते कि माइक्रोस्कोप है बिना ग्लव्स के बिना कवर हुए घूम रहे हैं, नहीं, बहुत सेंसिटिव होता है, प्रॉपर कवर रहता है और पूरा जो है वो वैसा एकदम ठंडा एरिया रहता है, वहाँ गर्मी नहीं रह सकती, इतनी ठंड लगती है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो है हर पोलन ग्रेन को कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए हम सैम का यूज करते हैं, जिसमें सब कुछ मैग्नीफाई होकर एकदम क्लियर क्लियर दिख जाएगा। तो इस तरीके से जो है सैम में, सैम की इमेजेस हैं ये सारी, इस तरीके से पोलन के अलग अलग शेप्स देखने को मिलते हैं। इज दैट क्लियर? अब जो है आगे मैं 5 questions इसमें आपको बोलूंगी करने के लिए, तो 5 questions के आंसर आपको कॉमेंट सेक्शन में मुझे देने हैं। और एक बार और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, और डेफिनेटली फॉर श्योर जो बच्चे मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो जाएंगे मैं उनको काफ़ी अच्छे से गाइड कर पाऊंगी और आपको आगे बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस पे लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये 5 questions जो है इनके आंसर आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, हाउ कैन पेलिनोलॉजी एंड लेमिनोलॉजी बी कॉम्प्लीमेंट्री इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, बताओ भाई। अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 इज पेलिनोलॉजी हेल्प्स आइडेंटिफाई वुड स्पीशीज एंड लेमिनोलॉजी हेल्प डेट डॉक्यूमेंट्स। फिर है पेलिनोलॉजी एनालाइसिस पोलन एट क्राइम सीन वाइल लेमिनोलॉजी स्टडीज लेयर्ड मटेरियल लाइक डॉक्यूमेंट्स। पेलिनोलॉजी इज यूज फॉर फिंगरप्रिंट एनालिसिस, लेमिनोलॉजी इज यूज फॉर ब्लड स्पेटर, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। डी इज पेलिनोलॉजी इज फोकस्ड ऑन लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट, लेमिनोलॉजी स्टडीज गन शॉट रेसिड्यू। आंसर देना, ठीक है, बताना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग वुड एनाटोमी अंडर अ माइक्रोस्कोप फॉर आइडेंटिफिकेशन इज नोन एज, ठीक है, वुड की एनाटोमी की स्टडी करते तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जाइलोटोमी, आर्बोरोलॉजी या एक्सरे डायफ्रेक्शन। इजी क्वेश्चन है ये बहुत। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ अ ट्री इज मोस्ट कॉमनली एनालाइज फॉर फॉरेंसिक वुड आइडेंटिफिकेशन। फॉरेंसिक वुड आइडेंटिफिकेशन में कौन सा पार्ट आप एनालाइज करते हो, लीफ, रूट, बार्क, वुड या ट्रंक, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रोथ रिंग्स ऑफ अ ट्री कैन बी यूज फॉर, ग्रोथ रिंग्स का यूज आप किस चीज में कर सकते हो, कार्बन डेटिंग, डिटरमाइनिंग द ट्रीज एज और आइडेंटिफाइंग द ट्री स्पीशीज या फिर बोथ बी एंड सी, क्लियर। नेक्स्ट, वॉट इज पेलिनोलॉजी, पेलिनोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फिंगरप्रिंट, स्टडी ऑफ पॉलन एंड स्पोर्स, स्टडी ऑफ हेयर एंड फाइबर, स्टडी ऑफ ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड्स। और बस ये इतने क्वेश्चन थे, 5 questions थे, इनके आंसर आपको जो है कॉमेंट सेक्शन में मुझे देने हैं। एंड दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।